हरदोई युवती पर चाकू से किया जानलेवा हमला। एक तरफा प्यार में शादीशुदा प्रेमी ने किया युवती पर हमला, फिर खुद पर भी किया चाकू से वार। शादीशुदा प्रेमी की हुई मौत, युवती की हालत गंभीर। जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर, शहर कोतवाली क्षेत्र के बेहटी का है मामला। सीओ सिटी एएसपी पूर्वी मौके पर मौजूद। एसपी अनुराग वक्त प्रकरण की जानकारी लेने जिला अस्पताल पहुंचे। एसपी मौके पर जांच के लिए हुए रवाना। आशीष सिंह की रिपोर्ट। गांव भेटी है जो थाना कोतवाली शहर में पड़ता है। यहां आज कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि एक लड़की और एक लड़का जो गंभीर रूप से घायल हैं यहां पड़े हुए हैं। ये सब सूचना मिली है तो उनको उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है, जिसमें पता चला है कि जो लड़का है उसकी मृत्यु हो चुकी है और जो लड़की है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसको अग्रिम उपचार के लिए लखनऊ रेफर कराया गया है। ये दोनों पड़ोसी हैं, आमने सामने इनका घर है। जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें ये पता चला है कि जो लड़का है और जो लड़की है चूंकि आसपास रहते हैं, लोगों में बातचीत होती है। लड़का जो है वो शादीशुदा है। अभी किसी बात को लेके इनको आपस में यहाँ इसने चाकू से लड़के ने पहले लड़की को मारा है और फिर खुद अपने आप चाकू से खुद को मारा है, जिससे कि उन इंजरी से लड़के की डेथ हो गई है। अभी तक इतनी जानकारी बात मिली है और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन मुकदमा दर्ज करके कराई जा रही है। जो फैक्ट्स आगे आएंगे वो आपको बताया जाएगा। फिर क्या मोटिव क्या था? मोटिव जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो लड़के ने पहले लड़की को चाकू से मारा है और फिर अपने आप को चाकू से मारा है, तो अभी प्रथम दृष्टया जो जांच करने पता चला है कि लोगों की बातचीत होती थी। लड़की की चूंकि शादी होने वाली थी, सगाई होने वाली थी मंडे को, लड़के की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को साथ में रख नहीं रहा था, उसका वहाँ केस चल रहा था। लड़का लड़की आपस में बातचीत में थे, जो यहाँ आसपास के लोगों ने बताया, लेकिन अभी और डिटेल जब क्लियर होंगी तो आपको बताया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।